486 जो स्टूडेंट हैं, और यहाँ देख सकते हैं वो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, टोटल देखना है तो ठीक है, ऑल यानी टोटल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगा उस स्कूल का सारा स्टूडेंट का लिस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस स्कूल जो सिलेक्ट किए, अगर आपका भी बच्चा पढ़ता है इस स्कूल में, आपका भाई पढ़ता है, आपकी बहन पढ़ते हैं, तो क्या करना है, आपको देखना चाहते हैं कि हाँ हम देखें इसको, तो क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नीचे थोड़ा आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, तो चलिए यहाँ ओपन हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आपसे काफ़ी हद तक अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे। तो इस वीडियो में क्या बताने वाले, आप थंबनेल पर ऑलरेडी देख चुके हैं और इंट्रो में भी देख चुके होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप बिहार के किसी भी स्कूल के बच्चे का टोटल लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल के किसी भी विलेज के जो स्कूल होता है उस स्कूल में कितने बच्चे हैं, वो बच्चे का लिस्ट यानी डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में वही बताने वाले हैं आप, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा सीख कर जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है, तो आपका ही चैनल है भाई, सब्सक्राइब करने में एक पैसा भी नहीं जाता है आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे देखना है बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी प्रखंड के किसी भी विलेज के स्कूल के टोटल बच्चे का लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तब तो क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। हम आपको सजेस्ट करते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए, आपके फ़ोन में जो सब ब्राउजर इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ये कोई बात नहीं है, तो आपको जो ब्राउजर ओपन करना है कर लीजिए। हम अभी सिंपल सा मेरे फिलहाल मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है तो हम ओपन कर लिए हैं। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है मेधा सॉफ्ट, ठीक है। चलिए हम सिंपल सा मेधा सॉफ्ट लिखकर सर्च कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना आपको लिखकर सर्च करना है, ठीक है। जैसे सर्च करिएगा तो पहला लिंक जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस यहाँ आपको पहला आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम बारीकी से बता रहे हैं, तो क्या करना है बारीकी से भी देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा हवा का आवाज़ आ रहा है, इसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ वहाँ थोड़ा अभी हवा तेज़ी से चल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है इग्नोर करना है। तो चलिए इस कुछ तरह का आपको वेबसाइट ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देख सकते हैं, चलिए हम बता ही देते हैं आपको, क्या देते हैं, कक्षा एक से बारह के छात्रों की डाटा एंट्री, आपको क्या करना है इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक ही कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। और डायरेक्ट इसका भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। दो लिंक मिलेगा, पहला वाला वो मिलेगा, दूसरा वाला ये मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ जो थ्री लाइन का ऑप्शन है इस पर क्या करना है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है, क्लिक करने में आपको नीचे आना है, होम के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। होम है और जस्ट यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है इसके आपको रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ बहुत ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, तो क्या करना है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, स्कूल करेंट स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ तरह का ओपन होगा, तो क्या करना है यहाँ देख सकते हैं, अगला इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। बिहार में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के देखना चाहते हो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उस डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक देखना चाहते हो ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और जिस स्कूल का जो स्टूडेंट का जो लिस्ट देखना चाहते हो उस स्कूल सर्च करना है। अगर आपके पास डिस्ट कोड है यहाँ डालिएगा, या वरना ऑप्शनल है, या नहीं डालिएगा तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम फिल कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो,
हम फिल करके डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो हम सभी डिटेल फिलअप कर लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं और ब्लॉक सिलेक्ट कर लिए हैं और स्कूल भी हम इसमें सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, सब सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, सर्च के ऑप्शन पर यहाँ जो लास्ट में दिखाई इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो स्कूल का डिटेल यहाँ नीचे ओपन होकर आएगा और स्कूल में कितने बच्चे हैं यहाँ दिखाएगा। ठीक है, चलिए हम बारीकी से बता देते हैं आपको क्या करना है, शांति से वीडियो देखना है। ठीक है, तो यहाँ देख, चलिए हम भेज को इधर ला देते हैं। यहाँ देखना है ऑल रिकॉर्ड ऑफ स्कूल। देखिए इस स्कूल में जो स्कूल हम सिलेक्ट किए, इस स्कूल में जो 486 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉरी 486 जो स्टूडेंट है, और यहाँ देख सकते हैं वो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, टोटल देखना है। तो ठीक है, ऑल यानी टोटल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ लिस्ट ओपन हो जाएगा उस स्कूल का, सारा स्टूडेंट का लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस स्कूल जो सिलेक्ट किए, अगर आपका भी बच्चा पढ़ता है इस स्कूल में, आपका भाई पढ़ता है, आपकी बहन पढ़ते हैं, तो क्या करना है, आपको देखना चाहते हैं कि हाँ हम देखें इसको, तो क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नीचे थोड़ा आते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ ओपन हो गया, तो क्या करना है, इसमें बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ प्रवेश संख्या, तिथि यहाँ लिखा हुआ है, लाभार्थी आईडी लिखा हुआ है, कक्षा किस कक्षा में है, विद्यार्थी का नाम और उनके फादर का नाम लिखा हुआ है, जन्मतिथि और लिंग जनरल, और यहाँ देख सकते हैं सब कुछ, अल्पसंख्यक, आधार नंबर और मोबाइल नंबर शॉर्ट में लिखा हुआ है, बैंक आईडी लिखा हुआ है और खाताधारक का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप जिसका भी देखना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या स्क्रॉल करके नहीं देखेंगे तो क्या करना है, नीचे आपको करना है। अगर नहीं मिलता है, आप उतना नहीं देखना चाहते, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने का क्या करना है, इधर आना है और यहाँ फाइंड पेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप जो जिसका सर्च देखना चाहते हो आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम सिंपल सा एक स्टूडेंट का ढूंढ लेते हैं। हम स्टूडेंट का एक नाम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम स्टूडेंट का एक नाम लिख लिए। यहाँ देख सकते हैं जो स्टूडेंट का एक इस नाम से एक स्टूडेंट है यहाँ आ चुका है, देख सकते हैं। चलिए इसे कट करते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं उनके सामने, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको प्रवेश संख्या तिथि बता रहा है, जब स्कूल में एडमिशन किया है वो, यहाँ उनका आईडी दिखा रहा है, तो यहाँ कक्षा दिखा रहा है और यहाँ माता पिता का नाम दिखा रहा है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ श्रेणी लिंग बता रहा है, अल्पसंख्यक, आधार नंबर शॉर्ट में और मोबाइल नंबर और IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ खाता धारा का नाम और बैंक प्रक्रिया आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिस्ट आप देख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का देख सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी ब्लॉक का देख सकते हैं। तो आपको इसे मान इसे आपको सेव करना है, तो आपको सिर्फ फिर थ्री पर क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF में प्रिंट कर लिया, तो आपको सेव पर क्लिक करना है और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक करके आपको इसको PDF में सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ PDF का ऑप्शन आएगा, उस आपको क्लिक करना है। चलिए हम वेट कर लेते हैं, फिर पेयरिंग रिव्यू होगा, तो जैसे वेट करिएगा और वेट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पर इधर आ जाएगा, यहाँ आपको PDF में सेव करने के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करके PDF में सेव कर लेना है। तो थोड़ा सा हम वेट ही कर लेते हैं, तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको वेट ही करना होगा क्योंकि लंबा है, लंबा पेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं PDF का ऑप्शन आ चुका है यहाँ, तो इस पर आप क्लिक करके आप PDF में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको देखना है, बिहार के लिए बताएं, अगर अदर स्टेट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस स्टेट पर बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब